हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है निपुण रखे 2020 यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है राजेश पासवान और आज की जो वीडियो है वो एक हिप हॉप सॉन्ग पे है। नेस्टी नेस्टी उसका नाम है और वैसे उतना तो मुझे जो है पता ही है कि नॉर्थ ईस्ट में जो ये हिप हॉप वगैरह है और जो रॉक बैंड का जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा है और पूरे इंडिया में नॉर्थ ईस्ट वालों से ज़्यादा अच्छा जो वेस्टर्न म्यूज़िक है वो कोई और ना परफॉर्म, मतलब कोई और अच्छा ना गा सकता है ना परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वालों में ना नेचुरली आता है। क्या कि हम जो नॉर्थ ईस्ट के नहीं हैं बाकी इंडिया के, वो अगर वेस्टर्न सॉन्ग गाते हैं तो थोड़ा सा इंडियन टच ना दिखता है कि हाँ थोड़ा है ना, मतलब इंडियन वे में है, मालूम पड़ जाता है। नॉर्थ ईस्ट वाले वेस्टर्न म्यूज़िक एकदम ऐसे परफेक्ट वे में गाते हैं, उनका वेस्टर्न म्यूज़िक में जवाब ही कोई नहीं। तो आज वैसा ही एक हिप हॉप सॉन्ग है, इसकी रिकमेंडेशन मुझे आई थिंक एक से ज़्यादा लोगों ने करी है, तभी मैंने इसको सबसे पहले चूज़ किया। कि इससे पहले भी कुछ थे पर इसकी वो रिकमेंडेशन ज़्यादा आई थी तो इसलिए इसको चूज़ कर लिया। चलिए अब देखते हैं क्या है सॉन्ग। और पर वीडियो शूट करने से पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन है उसे प्रेस करके और पे क्लिक कर देना ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंचते रहे। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो, देखते हैं क्या है म्यूजिक, क्या है सॉन्ग। 1 2 3 वेट, गर्मी बहुत हो रही है, पता नहीं क्यों। Chicken never out, and my shit nasty, nasty. Straight out the nasty notice, 7-9, you come and test me. A pride to go to heels, I come with bladed spears. I style them out of date to bring the spears. This shit don't impress me. Smoke lights and besides a big vision. A big competition in the nation, full of segregation. No hesitation, I know my words are thick and I can't deny. I do or die sooner, now the next agent in Rock Nation. I drop bars, look all the hit from a trick guard. Think into it, then give it hard like a scarlet fever. The losing the rappers, all your heart like a horny nipper. Running marathon, I guess what time, how could you ever keep up? I'm divine and the plot of me from road. Everybody throw your hands and sing hip hop, don't stop, run through my veins, yeah. Everybody throw your hands and sing hip hop, my home and I'm gonna stay, yeah. Everybody throw my hands and sing hip hop, don't stop, run through my veins, yeah. Everybody throw your hands and sing hip hop, my home and I'm gonna stay, yeah. Everybody throw your hands and sing hip hop, don't stop, run through my veins, yeah. Everybody throw your hands and sing hip hop, my home and I'm gonna stay, yeah. तो हो गया। अरे सारे अच्छे म्यूजिक में छोटे होते हैं। चलिए जो भी था जितना भी था बहुत अच्छा था। और सही में यार ये ना, मतलब नॉर्थ ईस्ट वाले को मैंने देखा है, उनको वेस्टर्न म्यूजिक का बड़ा शौक होता है। यहाँ पर भी है कुछ, यहाँ पर मेरे घर से थोड़ी दूर ना एक इंडस्ट्रियल एरिया है, उसमें एक बीच में
जो है एक पार्क है, और पार्क में मैंने देखे हैं वो कुछ नॉर्थ ईस्ट के और कुछ नेपाली होते हैं, तो वो जो है ऐसे हिप हॉप डांस वगैरह की, और जो बीच में डांसेस में वो स्टंट होते हैं ना ऐसे घूम जाते हैं और वो एक हाथ पे ऐसे घूम जाते हैं, वो सब वो वहाँ पर जो है प्रैक्टिस करते हैं। तो उनमें मैं देख मैंने देखा है उनमें काफ़ी अच्छा क्रेज होता है, और नॉर्थ ईस्ट वालों की इंग्लिश भी काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि वो इंग्लिश सॉन्ग्स ज़्यादा सुनते हैं, और सही में उनका तो कमाल का होता है, उतना अच्छा तो हमें नहीं आता भाई साहब। और मेरा एक फ्रेंड है वो ना मतलब वो मेरे साथ 8th से है, 8th 9th 10th, और वो मतलब उसकी अपीयरेंस जो है वो थोड़ी सी नॉर्थ ईस्ट जैसी है, तो वो भी काफ़ी ऐसा हिप हॉप वगैरह ना वो काफ़ी सुनता है, इवन वो अपना जो है मतलब ऐसे म्यूज़िक भी थोड़ा ऐसे जो है ना यूट्यूब पे जो करते हैं थोड़ा खुद ही म्यूज़िक जो है बना लेते हैं, तो वैसा भी वो कुछ करता है। और इतने सालों बाद मतलब 8वीं का दोस्त, और मेरी 8th हुई थी करीब 2008-09 के राउंड 2020 चल रहा है, और मुझे अभी 1 साल पहले ही मालूम पड़ा है कि वो तिब्बतन है। मतलब मेरे को तो लगा था वो नॉर्थ ईस्ट का ही मतलब होगा, मैंने कभी उससे पूछा नहीं था कि वो एग्जैक्टली कहाँ से है, दोस्त है तो बस जो चल रहा है। और उसका नाम भी जो था वो नॉर्थ ईस्ट वाले के जो होते हैं नाम वैसा नहीं था, उसका नाम यहाँ वाले नॉर्थ वाले जो होते हैं नेम्स कुछ वैसा था, तो मुझे लगा कि शायद होगा मतलब पीछे से कुछ होगा, पर ये वो यहीं पर ही है मतलब नॉर्थ में ही है, शायद उसके जो पूर्वज होंगे वो वहाँ से होंगे, पर अब भी कुछ 1 साल पहले जो है मुझे मालूम पड़ा था कि वो तिब्बतन है, और उसको भी जो है बड़ा शौक है इन सब चीज़ों का। तो ये मैंने देखा है कि ये जो नॉर्थ ईस्ट वाले होते हैं और ये लद्दाख और ये जो ऊपर वाले होते हैं इन वाले, इनको वेस्टर्न म्यूजिक का शौक होता है, वो अच्छा भी करते हैं, बस इनको थोड़ा अच्छे से ना प्लेटफॉर्म देने की जरूरत है, ये इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सही में इनमें टैलेंट है कि मतलब एक बहुत अच्छा रैपर इंडिया से हो जो फॉरेन में जाके एक बड़े बड़े कॉन्सर्ट करे, अंग्रेज उनकी सुने, या टैलेंट काफ़ी है पर मिलता नहीं है उतना अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, कोई ना धीरे धीरे इंडिया की ग्रोथ हो रही है एक दिन मिल जाएगा, और हम तो हैं ही सपोर्ट करने के लिए। चलिए अब मिलते हैं अगले सॉन्ग पे, अगला जिस भी सॉन्ग पे हम ऐड करेंगे या फिर वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।